स्वच्छ भारत का मतलब क्या है? अब साफ रखना जिम्मेदारी किसकी है, पर हम करते क्या है? देखो, अगर स्कूल साफ रहेगा तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। पहली चीज, एक अपनी मानसिकता क्या है कि अपन कचरा पटक देते हैं यहाँ वहाँ कोई भी हो, और क्लास फोर कर्मचारी जो होते हैं उनको बोलते हैं कि आप उठाओ, यही करते हैं। और अगर साफ नहीं मिलता तो अपन क्या बोलते हैं कि यार वो दीदी ने, वो भैया ने, इन्होंने साफ नहीं करा, यही है। मगर क्या कभी अपन ने अपनी इच्छा से वो कचरा डस्टबिन में, जो अपन ने चॉकलेट खाई, च्युइंगम खाई, कुछ भी खाया, तो वो रैपर अपन डस्टबिन में डाल रहे हैं क्या? अगर अपन डस्टबिन में डाल लेंगे तो क्लास फोर कर्मचारियों का काम कम होगा। सबसे मेन बात ये है, वो दिन भर बिचारे लगे रहते हैं। तो अगर अपन सिर्फ इतना सा कर लें कि जो चीज़ अपने हाथ में है, आपने बनाना खाया उसका छिलका हाथ में है, उसको आप प्रॉपर डस्टबिन में डाल दो। अपन क्या करते हैं, थाली में रख के आ जाते हैं, थाली पटक देते हैं, खाना वेस्ट कर देते हैं, समझ रहे हो ना? तो अगर सिर्फ अपन इतना सा कर लें कि जो चीज़ अपने हाथ में उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाल दें, तो स्वच्छ भारत की जो कहानी है वो पूरी हो जाएगी और मैक्सिमम लोग बीमार नहीं पड़ोगे। क्यों बीमार पड़ते हैं? गंदगी, जहाँ मच्छर होंगे, पानी भरेगा। तो अपने आसपास सिर्फ अपन इतनी सी चीज रख लें, ठीक है?